थाना बाबूपुरवा पुलिस ने टाइपशुदा बिना हस्ताक्षर तहरीर पर जनता दल सेकुलर हामिद हुसैन व उनके बेटे अकील के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है। कोर्ट से नकल सवाल जवाब में इसका खुलासा हुआ है, जबकि आरोपियों वारिस हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ विगत 5 अक्टूबर से हार्ट पेशेंट जद नेता व उनकी बेटी आलिमा खातून पुलिस कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत भी कर चुकी हैं, लेकिन आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। आरोपी नर्सिंग होम संचालक नाजिम अली धनबली बाहुबली होने के कारण बाबूपुरवा पुलिस से साठगांठ कर झूठा फर्जी मुकदमा रंगदारी मांगने आदि का बिना हस्ताक्षर किए टाइपशुदा तहरीर पर दर्ज कर लिया। आज जनता दल सेकुलर महिला शाखा की नगर अध्यक्ष बबीता वर्मा ने पुलिस कमिश्नर व अधिकारियों से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई न होने पर धरना करने का ऐलान किया। ज्ञापन देने वाले में शाकिर अली उस्मानी, प्रदीप यादव, बबीता वर्मा, रूपाली परवेज आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका, क्या मामला था आपके? मेरा नाम हामिद हुसैन है, मैं जनता दल सेकुलर के नगर अध्यक्ष हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ये बाबूपुरा क्षेत्र में वारिस हॉस्पिटल है, वहाँ हमारी बहू की डिलीवरी हुई थी। पेमेंट भुगतान के बाद भी डॉक्टर ने रंजिशन हमारे खिलाफ थाना बाबूपुरवा में तहरीर दिया, हस्ताक्षर नहीं किया और उसका मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि उस डॉक्टर ने मेरे घर में धमकाया, मैं हार्ट अटैक मुझे आया और मैं कार्डियोलॉजी में एडमिट हो गया। उसके बाद पुलिस से सांठगांठ करके बाबूपुरवा पुलिस ने डॉक्टर के हस्ताक्षर नहीं है तहरीर पर, और रंगदारी गुंडा टेक्स हमारे विकलांग बेटे के खिलाफ और मेरे खिलाफ दर्ज कर लिया गया। आज कमिश्नर साहब को हमारी महिला नेता बबीता वर्मा की तरफ से और प्रदीप जी की तरफ से एक ज्ञापन जा रहा है कि इसकी निष्पक्ष विवेचना हो, अगर हम दोषी कहीं से हैं तो मुझे जेल भेजा जाए, और अगर पुलिस और डॉक्टर झोला छाप जो है दोषी है तो उसको जेल भेजा जाए, अन्यथा मैं अपना प्राण त्याग दूंगा अगर कार्रवाई नहीं की गई तो।